हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज कहीं जाने की तैयारी हो रही है तो बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि मम्मा पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। एग्जाम हो गए और बहुत सारा काम बीच में था, तो आज थोड़ी सी फुर्सत थी तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आज बच्चों को खिलाई लाते हैं, काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। हस्बैंड अभी ऑफिस से आएंगे तो आफ्टरनून में लेके जाएंगे, क्योंकि शाम को उनका ऑफिस होता है और शाम को मुझे भी बाहर का खाना उतना पसंद नहीं होता। बस अब थोड़ा थोड़ा इनकी प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े कितना ही प्रेस करके रख लो, जाने से पहले एक बार जब तक प्रेस ना करो ना तो अच्छा मजा नहीं आता है। या बेटी की जीन्स कर दी, अपनी कर ली और बाल ऐसे उल्टे पुल्टे हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेती हूँ अपने गारों के इस वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर से। तो आप देखते हैं, जब भी मैं कहीं जाती हूँ बाल मेरे ऐसे उल्टे पुल्टे होते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही उल्टा सीधा बांध लेती हूँ, पर जब खोलती हूँ ना तो वो जाने लायक नहीं रहते हैं। और उस वक्त सर धोना और अच्छे से बालों को सेट करना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आपने देखा, मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। सच में फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आइकॉनिक टेक्नोलॉजी है, जिससे कि सारी ये जो उलझने हैं ना बालों की, वो सब रिड्यूस हो जाती हैं। साथ में इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल के जो ब्रिसल्स हैं, 24 कैरेट गोल्ड स्टाइलिंग जो सरफेस है, जैसे कि हीट है ना, वो इतनी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है कि आपका काम झटपट हो जाता है। और आपने इसे अपने बच्चे भी आपके यूज कर सकते हैं, अभी दिखाऊंगी। इसमें एंटी स्कैल्डिंग टिप है, स्विल पावर कॉर्ड है, तो मतलब काम करना बहुत आसान है। देखिए बाल मेरे कैसे थे ना, एकदम उलझे उलझे से, और अभी देखिएगा कितने बढ़िया हो जाएंगे। और आपका अगर सर धुला भी नहीं है ना, तो भी ऐसा लगेगा जैसे आपने कहीं सेट करवा के आप अभी पार्लर से बाल आए हैं। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको ये खरीदना है, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो देखिए, इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, मैं उसमें उसका लिंक डाल देती हूँ, आप उसे क्लिक कीजिए और इसे ले लीजिए। काफी बजट में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और लुक और डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, तो जरूर परचेज कीजिएगा। और जैसे मैंने इसे यूज किया ना, तो मेरी बड़ी बेटी बोली, मम्मा मुझे देना, मेरे भी उल्टे पुल्टे बाल हो रहे हैं। तो अभी वो कर रही है, उसको इतना पता नहीं है कि इसे कैसे यूज करना है, हालांकि उतना तो मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, मुझे ये है कि अंदर की तरफ रोल करोगे ना तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तो मैंने उसको वही बताया। और देखिए अभी कैसे थे उसके बाल और अभी कितने सही लगने लगे, तो वो भी खुश हो गई। और अभी मेरे हस्बैंड को ना फ्रेंड्स, आफ्टरनून में आके शाम को ऑफिस भी जाना होता है, तो लेट हो जाता है जब हम कहीं जाते हैं ऑर्डर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, ऑनलाइन यहीं से ऑर्डर कर लो और जब तुम जाओगे वो तुम्हें रेडी मिलेगा ऑर्डर। या मेरा बेटा देखिए क्या कर रहा है, मैं इनसे बात कर रही थी कि हम यही ऑर्डर कर लेते हैं, और बार बार जूम इन जूम आउट करे जा रहा है और मुझे अभी कुछ पता नहीं था। तो बोला, मम्मा मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। तो मैंने बोला ठीक है, जब ब्लॉग बनाऊंगी तो ऐड कर दूंगी। और जब ये ऐड किया ना, तो दिख रहा है कि क्या किया है उसमें। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है। और यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं कि इनको क्या क्या पसंद है और ये क्या खाना पसंद करते हैं, तो बस उस हिसाब से यही ऑर्डर कर देंगे। और जब हम वहां पहुंचेंगे ना, तो हमारा ऑर्डर रेडी होगा। तो आप क्या करते हैं, जाकर ऑर्डर करते हैं या घर से ही ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बट मेरे हस्बैंड को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इससे समय बहुत बच जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए पीछे क्या हो रहा है, घमासान, इतनी बड़ी गाड़ी भी छोटी पड़ जाती है। तो बच्चे तीनों हमारे पीछे बैठे हुए हैं, कोई इधर कोई उधर, और मैं अपने में ही मस्त हूँ। ये देखिए, अपने बालों को थोड़ा देख रही हूँ कि हाँ अच्छे लग रहे हैं भाई मेरे बाल वगैरह। और कोई हेड वॉश नहीं किया फ्रेंड्स, 3-4 दिन पहले किया था, लेकिन बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो ये सब तो हो गया, बहुत कम ही मौका मिलता है ऐसे फैमिली के साथ घर से बाहर जाने का, क्योंकि कभी केक का ऑर्डर, कभी कोई काम, कोई क्लास का काम। तो आज बड़े दिनों बाद फुर्सत से बाहर निकली हूँ, मौसम बहुत ही अच्छा है आजकल गुवाहाटी आसाम का, मतलब न धूप होती है, न बारिश होती है, न ठंड है, न गर्मी, मतलब बहुत अच्छा वेदर है। पर यहाँ नमी और मॉइस्चर बहुत है, तो कपड़े वपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत आती है, बट एंजॉय करने के लिए फुल ऑन मौसम है। तो कोई सोच रहा है ना अगर घूमने का, जरूर आइएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज लाइव फ्रॉम माई कार, कार से ही आप देखिए, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, कोई इधर देखो मम्मा इधर बनाओ, कोई इधर देखो, बस लगी हुई हूँ कि इनके साथ भी थोड़ी सी एक आध वीडियो बना लूं। तो गाड़ी नॉर्मल चलाओ, नॉर्मल होके चलाओ। मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट होके चलाता हूँ रोड पे जब गाड़ी चलाता हूँ। बहुत कॉन्सेंट्रेट होके चलाते हैं गाड़ी, तो एकदम मस्त होता है, उसमें पूरा रोड क्लीन होता है, फुल स्पीड में चलाओ। तो हर जगह हाईवे नहीं हो सकता ना, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर गाड़ी चलते हो। गाड़ी 100 पे चलेगी तो फिर कॉन्सेंट्रेट होके चलानी पड़ेगी ना। मैं 100 पे नहीं चलाती ना। तो भाई हंसने के मूड में कोई नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत कंसंट्रेशन से चल रही है। खैर चलानी भी चाहिए, ड्राइवर है भाई, अटेंटिव रहिए। और यहाँ पर मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, देख सकते हैं आप दूर से कितना बढ़िया, काले काले बादल आ रहे हैं, बहुत तेज बारिश होने वाली है, और हम छाता भी लेकर नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, हमें पैदल कहीं नहीं जाना। दोपहर का टाइम था फ्रेंड्स, अपने काम के प्रति डेडिकेशन भी है, तो यहीं से मोबाइल से ना मैं अपनी वीडियो पहले ही पोस्ट करके रखती हूँ। बस उसका टाइटल वगैरह डाल करके फटाफट से पोस्ट करने का शेड्यूल डाल देती हूँ, ताकि वो आराम से होता रहे और आपको कोई भी वेट ना करना पड़े। तो मैं हमेशा इसी तरीके से अपना काम करती हूँ, चाहे कितना ही जरूरी मुझे जाना ना हो, बट अपने काम के प्रति डेडिकेशन पूरी होनी चाहिए।
और यही मैं अपने सारे व्यूअर्स को जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें भी सिखाती हूँ कि अपने काम के प्रति कभी भी कोई आलस मत कीजिए, हमेशा अपने काम को एक पूजा की तरह कीजिए कि वो कभी छोड़नी नहीं है आपको। और यहाँ पर डोमिनोज आ चुका है फ्रेंड्स, पास नहीं है हमारे घर के, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और बच्चे इतने खुश है ना, हमारी भी परवाह नहीं है, छोड़ करके तीनों खाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं और सच में फायदा ये हुआ कि जैसे ही पहुंचे ना, हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी था, बस मैंने बोला मैं ऊपर जा रही हूँ तुम लेकर के आ उसको, तो वो गुस्सा कर रही थी कि मेरा वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, अब देखेगी तो और गुस्सा करेगी, पता नहीं लोगों को वीडियो शूट कराने में क्यों इतनी परेशानी होती है। जैसे ही हम पहुंचे तो सबने अपना अपना पैकेट खोल दिया, इनको हल्का गर्म ही चाहिए होता है, तो इनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, और उन्होंने अपने लिए यहाँ आकर कुछ ऑर्डर किया कि जब तक ये हम एंजॉय करेंगे वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं, कम समय में खूब सारा एंजॉयमेंट हो जाए और टाइम से घर पहुंच करके हम अपने बाकी के काम भी कर लें। किसी को पनीर मखनी खाना था, किसी को गार्लिक ब्रेड खानी थी, किसी को सिंपल पनीर वेज वाला खाना था। आपको कौन सा पसंद आता है डोमिनोज में पिज्जा खाने में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो ये सारी चीजें वैसे अच्छी नहीं लगती, एक दो स्लाइस, एक स्लाइस मुश्किल से मैंने खाया होगा, और घर जाकर के मैं अपने बैंगन के भरते से रोटी सेक करके खाऊंगी जो मैं रख करके आई हूँ, रात का रखा हुआ है मेरे फ्रिज में, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है। और यहाँ बस अपना अपना सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी इनकी फोटो भी क्लिक्स की हूँ, लास्ट में आपको दिखा दूंगी। और हम लोग एकदम उस तरफ बैठे हैं विंडो की साइड पर, बहुत बड़ा ग्लास है, और यहाँ पर देखिए मैं गुस्सा कर रही हूँ कि यहाँ तो फोन छोड़ दो, यहाँ तो फोन छोड़ दो, तो मैं पोज ले रही थी कि स्टेटस पर लगाऊंगी आपका ये बात, तो हंसने लग गए थे। और फिर उन्होंने जो अपना पिज्जा खोला, उनका पूरा वीडियो बनाया, गुस्सा भी कर रहे थे कि क्या तुम मेरा बना रही हो, बच्चों का बनाओ, तो मैंने कहा नहीं सबका बनेगा, जब हम बाहर आए हैं तो सबका बनेगा, बोले अपना भी बनवाओ, मैंने कहा लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो काम ही है डेली ये बनाना, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और अभी मेरी बड़ी वाली बेटी के हाथ में है वो, हम बस अब इनको पिज्जा खिला करके निकल रहे हैं। मेरे घर के पास ना डेकाथलॉन भी है फ्रेंड्स, वहां पर स्पोर्ट्स वाले कपड़े, आउटफिट्स, डिफरेंट टाइप के गैजेट्स, खेलने कूदने, स्पोर्ट्स की मतलब रिलेटेड चीजें काफी मिलती हैं। तो अभी हमने वही डिसाइड किया, यहाँ से जाते वक्त बच्चों को उसमें घुमा के ले जाएंगे, इनको कुछ चाहिए होगा तो इनको दिलाएंगे, और फिर सीधा घर वापस, क्योंकि 5 बजे इनको 4:30 के करीब सॉरी ऑफिस भी जाना होता है, तो ठीक रहेगा। और अभी बस हम जा रहे हैं, और बस थोड़ा सा इधर उधर घूम के गाड़ी में बैठ गए, और यहाँ पर ना एक नया ब्रिज बना है, तो मेरे बच्चे बोले मम्मा हम उस ब्रिज पर नहीं घूम के आए, बहुत मजा आएगा, तो ये एकदम न्यू ब्रांड ब्रिज बना है, आप देख सकते हैं साइड में किस तरीके की कलरिंग हो रखी है, तो बड़ी अच्छे तेज गाड़ी चल रही थी, हवा भी इतनी अच्छी आ रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था। ये देखिए कितना प्यारा सुंदर है, तो कभी कोई गुवाहाटी आए तो जरूर यहाँ पर घूमने आइएगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट का, मतलब मजा आ जाएगा आपको, इतनी फ्रेश एयर यहाँ होती है, कोई केमिकल नहीं किसी भी चीज में, और मतलब मजा आ जाएगा। हम लोग तो पोस्टिंग के थ्रू हर बार कुछ ना कुछ नया देखते हैं, पिछली बार आसाम में सिलचर वाली जगह हमने देखी, वहां भी खूब एंजॉय किया, आपको सब कुछ दिखाया, और अब गुवाहाटी, और नेक्स्ट कहाँ होंगे कुछ पता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम गुजरात आइए, मैम मुंबई आइए, तो भाई जहाँ भगवान भेजेगा, जहाँ पोस्टिंग आएगी वहां हम जरूर आएंगे, और वहां से भी मैं अपना काम ऐसे ही जारी रखूंगी, आप लोगों से ऐसे ही कनेक्ट रहूंगी, और हो सकेगा कोई तो मिलने की भी कोशिश करूंगी। वैसे मैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से मिल जाती हूँ, बाई चांस कोई चलते चलते ही बोल देता है कि आप तारा मधु है ना, मैं आपका चैनल देखती हूँ, तो मतलब मजा आ जाता है। और हस्बैंड मेरे इतने चलते हैं, बोलते हैं तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, मैं तो कोई पूछता भी नहीं है, तो भाई यही फायदा है सोशल मीडिया का। इसलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ, कोई भी काम आपको आता है, कोई भी टैलेंट आप में है, तो उसको छुपाइए मत, उसको कैसे भी डालिए, भले कोई व्यू आए ना आए, आप अपना काम करते रहिए, देखिएगा अगर काम अच्छा हुआ ना, आपकी मेहनत उसमें बढ़िया तरीके से गई ना, तो वो रंग जरूर लाएगी। बस मैं तो यही मेरा थॉट है, और इसी तरीके से मैं अपने काम में हमेशा लगी रहती हूँ, चाहे मेरे चैनल पे व्यूज आए ना आए, मेरा काम है डेली बढ़िया बेस्ट देना, और उसी में मैं लगी रहती हूँ। और अब तो मेरे पास दो दो चैनल है, मेरी क्लासेस हैं, तो सब पर मैं बेस्ट अपना देने की पूरी कोशिश करती हूँ, और बाकी भगवान मेरा जानता है, जो मेरे नसीब में होगा, जो मेरे मेहनत में होगा, वो मुझे जरूर मिलेगा, उसको कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। तो इसी थॉट के साथ आप भी काम कीजिए, ये बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि मेहनत हमेशा कीजिए, आपका हक का आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं, और जैसे मैंने बताया ना रास्ते में डेकाथलॉन आता है, बस वहां और बच्चों को ले जाएंगे, और बस इतने में ही मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स। सच में आप यकीन नहीं मानेंगे, हम कहीं भी बाहर का ज्यादा खाना नहीं खाते, ज्यादा रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाते। ये आज जो हम पिज्जा खाने आए हैं, इनको 6 से 7 महीने में लेके आए हैं। थोड़े दिनों पहले मैं अपने घर गई थी, वहां पर इन्हें बाहर खाना खिलाया था, और तब से ये अंदर घर का ही खाना खा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमें किसी को भी पसंद नहीं है बहुत ज्यादा बाहर जाकर के खाना, घर में ही उनको जो चीज पसंद होती है वो बनाकर देते हैं। हाँ कभी कदार आउटिंग का मन करता है तो मना नहीं करते, बस टाइम को मैनेज करके ले आते हैं। देखते हैं क्या क्या लेते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध में कुछ शॉपिंग नहीं की जाती है,
तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ श्राद्धों में नए सामान की शॉपिंग होती है या नहीं होती, या आपके यहाँ क्या माना जाता है, जरूर बताइएगा। और हम अंदर जैसे ही गए ना, बच्चे तो पागल हो गए कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मम्मा ये ले लीजिए, मम्मा वो ले लीजिए। तो भाई जो जैसा लगेगा जरूरी वो सब सामान लिया जाएगा, जो जरूरत का नहीं है वो फालतू में ले जाके घर में कूड़ा भरने का कोई मेरा मूड इरादा नहीं है। तो मैं उन्हें समझा बुझा दूंगी, और अभी तो मैं उनको बता दिया है कि श्राद्ध है कुछ नहीं लेंगे, लेकिन तुम देख लो फिर अपने पापा से कह के मंगवा लेंगे क्योंकि पास में ही है। बस इनको करवा रही हूँ मैं एंजॉयमेंट, और इनको स्केट्स करना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि तुम कर सकते हो ट्राई, अगर अच्छा लगेगा तो मैं ले लूंगी। और मेरी बेटी जो छोटी वाली है ना, बीच वाली, उसको हुला हूप घुमाना बहुत अच्छा लगता है। वो 4-5 हुला हूप हाथ पे, पैर पे, कमर पे, कहीं भी घुमा देती है। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा एक हुला हूप ले लो, मैं पहले भी 2 लेके गई थी यहाँ से, तो अभी बोली मम्मा ये बड़े साइज क्या है। तो अभी मैंने बोल दिया है नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर लूंगी, अभी श्राद्ध है तो नहीं लेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए बड़ी बेटी का भी मूड हो गया कि मम्मा मैं भी थोड़ा स्केट्स कर लूँ, और छोटे वाले का भी मूड हो गया, और दोनों मूड में थे कि मैं ये सब ले लूँ, बट मैं लेने वाली अभी नहीं हूँ। इनको खूब कहा कि तुम घूम आओ, एक तो चक्कर लगा लो भाई, घर में तो है तुम्हारे, यहाँ भी लगा लो। तो घर में इतनी स्पेस ही नहीं मिलती, आजकल बारिश इतनी हो रही है, गड्ढे हैं रस्तों में। यहाँ पर इन्होंने मन भर के अपनी स्केटिंग की, हस्बैंड ने जो देखना था वो देखा, और बस आज ये खुश हो गए। अब घर जा करके बोल नहीं सकते कि हमें मम्मा ने घुमाया नहीं, हमें मम्मा ने कुछ दिखाया नहीं। और देखिए तो डांस भी करने लगा है, और इसको किसी ने स्केटिंग नहीं सिखाया, बस अपनी दीदियों को देख देख करके गिर गिर के अपने आप सीख लिया। वो बोलते हैं ना गिर गिर के ही बच्चे सीखते हैं, इनको ना साइकिलिंग हमने सिखाई ना ये स्केटिंग सिखाई, ये खुद ही सीख गए। तो यहाँ बस दोनों चक्कर लगा रहे हैं, 3-4 इधर, मन भर गया तो खुद ही थक गए। बोले मम्मा बस अब हम थक चुके हैं, और जब तक ये थके नहीं हम लगे रहे। फिर छोटा बेटा बोला मम्मा मुझे चश्मा भी दिलाओ, तो उसके मन के लिए हमने एक दो बार लगा के उसे दिखा दिए कि भाई तू बहुत स्मार्ट लग रहा है जैसे बच्चों को लगता है। और जब वो देख रहा था तो मेरे मन में भी आ गए लो मैं भी देख लेती हूँ भाई लगा करके क्योंकि जब आए हैं तो भाई किसी चीज को छोड़ें क्यों। और अभी देखिए मेरे ये भोलूनाथ के बाल बाल सब पसीने में क्या हाल हो गया है, मान नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है कहीं भी, बस ये ले लो वो ले लो। और अभी मुझे देखिए एक स्टाइलिस्ट का चश्मा देखा तो मेरी बेटी बोली मम्मा वाह ये ले लो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैंने बोला बस तुमने कह दिया अब ले लेंगे। और भी छुटपुट फ्रेंड्स ऐसे ही घूमे थे, वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल की जो बैटरी थी वो जा चुकी थी। तो आई होप आज का ये छोटू सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके के नेक्स्ट घूमने वाले मस्ती भरे ब्लॉग्स में हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।